नमस्कार, मैं हरिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी हर खबर पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। रायबरेली जिले के महाराजगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम पखनपुर स्थित गाटा संख्या 657 जीएसलैंड नवीन प्रतीक के लिए सुरक्षित भूमि में सन 2011 में तत्कालीन एसडीएम राम शिरोमणि मौर्य द्वारा 30 व्यक्तियों को 100 वर्ग मीटर के हिसाब से आवासीय पट्टा आवंटन किया गया था, परंतु गाँव के ही भू माफिया और राधेलाल व उनके बेटे अखिलेश कुमार की सरहंगई से अभी तक आवंटियों को कब्जा नहीं मिल पाया है। पटिटाधारियों की शिकायत का संज्ञान लेकर तहसीलदार के आदेश पर पुलिस बल साथ लेकर गांव पहुंची। राजस्व टीम ने सभी 30 पट्टाधारियों को पैमाइश करके जमीन का चिन्हीकरण कराकर कब्जा तो दे दिया था, किंतु राजस्व टीम के चले आने के बाद आरोप है कि सरहन भू माफिया द्वारा आवंटियों को डरा धमका कर नींव तक नहीं खोदने दिया और अमादा फौजदारी होकर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। उक्त भू माफिया की दबंगई के बदौलत आवासीय आवंटियों को अब तक जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम भगवान दीन फौजी है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूं और इस समय पखनपुर ग्राम पंचायत में मेरी बहू संगीता देवी प्रधान है और वो अपना प्रधानी का पूरा काम करती है जी। वो एक पढ़ी लिखी जबलपुर में। प्रधान जी, आज सुबह ग्रामीणों का फोन गया हमारे पास और एक जमीन का मामला है जो विवादित है। एक कोई आपके गांव के हैं, वो उनको कब्जा नहीं दे रहे हैं, जबकि 10 साल पूर्व ग्रामीण करीब 30 ग्रामीणों का उसमें पट्टा हुआ था। हाँ, तो क्या मामला है, पूरी बात बताइए। हमारी इस ग्राम सभा की गाटा संख्या नवीन प्रति 657 में जी लगभग 30 आवंटियों का एक बिस्वा प्रति आवंटी के अनुसार पट्टा है जी, और उसमें 2-3 लोग सरहंगी से कब्जा किए हुए हैं। उनका पट्टा एक बिस्वा है लेकिन 6-6 बिस्वा में वो मकान खड़ा कर रहे हैं, अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। हमारे गांव की जो जनता है, जो पट्टेदार है, वो नियमतः तहसीलदार के पास गए, 2-3 बार प्रार्थना पत्र दिया, तहसीलदार साहब का आदेश हुआ। आदेश होने के बाद तहसीलदार साहब ने एक टीम गठित की, उस टीम के साथ लेखपाल, राजस्व विभाग के सारे लेखपाल और पुलिस बल के साथ आकर के यहाँ पर मौके पर जमीन की पैमाइश चौहद्दी की गई। उसके बाद हर पट्टे को 100 वर्ग मीटर के अनुसार, एक एक बिस्वा के अनुसार पट्टे पर बैठाया गया। उसके बावजूद भी पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिया जा रहा है। अगर वो नींव खोदना चाहते हैं तो सरहंगी से उनको भगाया जा रहा है जी। और हमारे ऊपर गलत बयानबाजी की गई है। आप पूरे गाँव वालों से पता कर सकते हैं कि भगवान दीन फौजी ने किसी से 1 रुपया कोई घूस लिया हो। हमारे ऊपर ये गलत आरोप लगाया गया कि 25-25 हजार रुपया प्रधान लेकर के लेखपाल और तहसीलदार को दे करके उनसे पट्टा नपवा रहे हैं। मेरी बहू संगीता देवी डबल एमए है, हिंदी और सब्जेक्ट संस्कृत विषय से एमए है, एक पढ़ी लिखी महिला है जो कि प्रधानी करने योग्य है। इस समय प्रेगनेंसी होने के कारण वो चल फिर नहीं पा रही है, जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, ब्लॉक और तहसील का काम देखता हूँ। लेकिन जहाँ हस्ताक्षर की बात होती है, चाहे जिस पत्रावली पे सिग्नेचर करना हो, मेरी बहू करती है। आप मेरे पूरे ग्राम सभा की जनता से और सारे आवंटियों से पूछ सकते हैं कि हम किस तरह का काम करते हैं। हम बिना द्वेष पूर्ण, चाहे हमको किसी ने वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, बिल्कुल शांति पूर्वक ढंग से हम काम करते हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं करते। हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। आप हमारे गांव के लोगों से बयान ले सकते हैं। प्रधान जी, जो 30 आवंटी हैं, तो आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो क्या मदद कर रहे हैं अपने स्तर से? देखो, हम मदद यही है, हम यही अपने आवंटियों से भी चाहते हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, शासन और प्रशासन पर विश्वास रखें, शासन और प्रशासन उन्हें न्याय देगा और उनकी पट्टे की जमीन पे उनका मकान निर्माण कराने की वो पूरा पूरा सहयोग देगा। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सिया बताए। पति का नाम? कहाँ की रहने वाली है? क्या मामला है, पूरी बात बताओ। सर, मामला सुलझा हुआ कि हमारे जहाँ पट्टा हमने पहले कब्जा कर लिया था जी, और लेकिन जौन ई लोगन का कब्जा है राधेलाल दे नहीं रहे, इसके बाद ई लोग जाते हैं तो उल्टा चंपा धान पर लगा रहे हैं। राधेलाल कहाँ के रहने वाले? राधेलाल पखनपुर के रहने वाले हैं जी। मतलब उल्टा लगा रहे हैं कि
लॉकडाउन के लिए पूरा कब्जा हम करेंगे हैं और इन लोगों के नहीं देंगे। घर पिटा रखे रहो, बड़ा पिटा रखे रहो, आज इन लोगों का मार दिए हाथों को। ये सब संगठन बना रखे हैं और झूठा अंजाम प्रधान पर लगा, क्योंकि हमारे प्रधान इतने अच्छे हैं, जब से प्रधान हुई है बहुत पब्लिक का यहाँ संभाल रहे हैं और झूठा अंजाम लगाया कि यहाँ साहब इनका हम लोग मतलब पैसा, और साहब एक बच्चा कसम खाकर कहते कि एक प्रधान पैसा हम लोग नहीं दिया था, प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं। जानकारी आ रही किसी अधिकारी को पैसे दिए गए हैं? नहीं साहब, कोई नहीं, किसी ने एक रुपया कोई भी नहीं दिया है साहब। यही निवेदन है आपसे कि प्रधान के जो बलंग लाग है इसको मिटाइए, बस यही हमारे निवेदन है। थैंक यू। दादी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुप्ता। पति का नाम? मेरे पति का नाम स्वर्गीय। कहाँ के रहने वाली हो? पठानपुर की रहने वाली। थाना कौन सा लगता है? मेरा थाना लगता है बछरावा। और तहसील क्या है? तहसील महाराजगंज। क्या मामला है, पूरी बात बताओ। पूरी बात का ये मामला है कि जो पुराने प्रधान थे, पहले अनूप कुमार थे, वो पट्टा कर गए थे 2011 में जी। और ये लोग वहाँ रहते नहीं थे, जब उसको हमने खोजने जाते हैं तब कहते हैं गोली मारेंगे, बंदूक मारेंगे। कौन कहता है? राधेलाल जी। तो बताइए, हमारी जो पट्टे की जमीन है वो हमको मिलना चाहिए जी। एक 100 वर्ग मीटर इनको उसी में इनका भी है, 100 वर्ग मीटर सब लोगों का, इतनी जनता है, 100 वर्ग मीटर उनको मिला है। तो सर ये 100 वर्ग मीटर ये बना ले, तो जो हमारा 100 वर्ग मीटर है हमको बनाने दे जी। तो अगर 100 वर्ग मीटर पर हम कब्जा करने जाते हैं तो वो कहते हैं कट्टा मारेंगे, नहीं खोजने नहीं देते हैं, मारने दौड़ते हैं। कट्टा मारने की बात कौन करता है? अरे वही राधे लाल कहते कि हम गोली मार देंगे जी। जो कोइयां नहीं खोदी हम गोली मार देंगे जी। तो क्या ये जबरदस्ती गुंडाबाजी करते हैं? कहते हैं प्रधान ने पैसा लिया, तहसीलदार ने पैसा लिया, कानेगो ने, एक रुपया हम लोगों ने नहीं दिया सर। ये गलत आरोप क्यों लगाया जा रहा है हमारे अधिकारियों को, जो प्रशासन द्वारा हमारा नापा गया, गलत आरोप क्यों लगाया जा रहा है? अच्छा, अभी 2 दिन पहले राजस्व कर्मी आए थे, हाँ, राजस्व अधिकारी आए थे, पुलिस आई थी, पुलिस आई थी, तो लोगों ने कब्जा दिलाया, तो क्या कब्जा नहीं मिला? कब्जा दिलाया उस नापदीन सर, उसको कब्जा की जब हमने खोदने जाते हैं, हम कहते हैं पिलर उठाएंगे, कहते हैं कि हम उठाने नहीं देंगे है? जब हमारा पट्टा मिला, हमारा अधिकार मिला है, तो उसमें हमको क्यों नहीं उठाने दे रहे हैं? अधिकारियों से क्या मदद चाहिए इस मामले? अधिकारियों से हमको ये मदद चाहिए कि हमको खड़े होकर पिलर उठाना चाहिए, हमको कब्जा दिलवाना चाहिए, हमको अधिकारियों से यही प्रार्थना है। नहीं हम लोग क्या करेंगे, आत्मा की हत्या कर लेंगे, क्या करेंगे? हमारे प्रधान को आरोप लगाया जाता है, जो अच्छा संगीता प्रधान हमारी संगीता देवी हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं, उनके ऊपर क्यों गलत आरोप लगाया जाता है? थैंक यू। क्या नाम है आपका? हमारा सिलर नाम है। आपके पति का नाम? राधे देवी। कहाँ के रहने वाली हो? पठानपुर की। क्या समस्या है, पूरी बात? यह समस्या है, हमारा साहेब राधे लाल छबिशवा ने आमंत्रण करा है हमका, एक दुकान और जो है ये पूरे पिलर उठाने का, हमारे हम काम नहीं खोदे गए हैं तो हमका उनका कट्टा मार देंगे। किसने कहा है बात? राधे लाल कि साहब हम नहीं खोदे गए हैं तो हमका कहीं तुमका कट्टा मार दिया, तो साहब हम खोद दिया है, तो कहीं ना जो हम तहसीलदार से लड़ रहे ना, हमका ना काने गो दी, ना पैसा देना, ना हमका प्रधान का देना, एक बार ना मंत्री का देना साहेब, कोई एक रुपया नहीं, झूठी का प्लेन लगा रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या कहना चाह रही हैं? हम कहना है हमारे यहाँ साहेब 40 साल थे, हम कब्जा किए हैं ना, हमारा कब्जा वहाँ जहाँ हम बंगला धारे हैं, हमका साहेब वहाँ मिलत चाहिए, अंतिम न मिला जी, पाटे हैं बहुत गहे जी। वही जगह पे, वही जगह पे है, वही जगह पे हम हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कसौल। कहाँ के रहने वाले हो? हम ही के रहने वाले। ये कहाँ के? पठानपुर। क्या समस्या है बताओ? नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर एक खबर पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।